हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल. वेरी वार्म है वेलकम टू फ्लावर फिल फॉर्म ऐप. कैसे हैं आप सब? हाउ आर यू ऑल? जल्दी से आ जाइए तो स्टार्ट करते हैं फिर आवा. आज हमारी यूनिट 5 स्टार्ट होने वाली है, सो फटाफट आ जाइए अच्छे से. हमें अपनी इस यूनिट को भी फटाफट खत्म करना है, सो लेट्स स्टार्ट इट. आई एम आशीषिका गुप्ता एंड मैं आपको पढ़ा रही हूँ पेपर 2 इकोनॉमिक्स. जैसा कि आपको पता है, हमारी यूनिट 4th हो चुकी है. फर्स्ट माइक्रो, सेकंड मैक्रो, थर्ड हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फोर इंटरनेशनल, फिफ्थ हमारी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पब्लिक इकोनॉमिक्स. सो लेट्स स्टार्ट इट विद आवर फिल अ फॉर्म ऐप. ये फिल अ फॉर्म ऐप के हमारे चैनल्स हैं. ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ये व्हाट्सएप ग्रुप है, देन ये हमारा इंस्टाग्राम ग्रुप है. अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हमारे पेपर से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए, तो आपको इन चैनल्स पे ज्वाइन करना होगा. यू हैव टू, अदरवाइज आपको कैसे न्यूज़ मिलेगी, है ना? एंड ये हमारे कुछ कोर्सेज हैं. पेपर फर्स्ट के 6 मंथ का ये प्राइज़ है, पेपर 2 का ये प्राइज़ है, एंड बोथ पेपर 6 मंथ का ये प्राइज़ है, एंड बोथ पेपर 12 मंथ का ये प्राइस है. ज्वाइन नाउ, डोंट मिस दिस चांस. सो आप देख पा रहे होंगे कि हमारे यूजीसी नेट 2023 के अंदर, जो कि फिल अप फॉर्म पहले हमें पेपर फर्स्ट ही अवेलेबल कराता था, अब वो हमें पेपर सेकंड भी अवेलेबल करा रहा है. सो उसके अंदर क्या क्या देखने को मिल रहा है आपको? नोट्स मिल रहे हैं, PYQs विद आंसर मिल रहे हैं, 100+ मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, है ना, क्विजेस मिल रहे हैं, नोट्स मिल रहे हैं, सैम्पल पेपर मिल रहे हैं. तो ये सब हमें हमारे कहाँ मिल रहे हैं? ओनली ऑन हमारे फिल अप फॉर्म ऐप पे. सो अगर आपको यूज कोड करना है RC10, तो गेट 10% ऑफ एनी फिल अप फॉर्म कोर्सेस. ओके, हाउ टू डाउनलोड नोट्स? तो आपको पता है, जैसे आप प्ले स्टोर पे जाके अदर एप्स को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, उसी तरीके से आपको एज ऑनलाइन सेम ऑज फिल अप फॉर्म ऐप को इंस्टॉल करना है. अदर और फिर देन आप उसको क्या करेंगे, अप टू डेट हो जाएंगे उसमें. फिर आपको नोट्स मिल जाएंगे, देन अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है तो दिए गए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं. सो जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है. बिना मेहनत करे कुछ हासिल नहीं होता, है ना? तो हमें क्या करना पड़ता है? हमेशा तत्पर रहना पड़ता है मेहनत करने के. सो आप देख पा रहे होंगे यूजीसी नेट 2023 इकोनॉमिक्स के अंदर आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है. आप आशीष, मेरा 10, ये आप मेरा कोड यूज करेंगे RCS10, तो आपको गेट 10% ऑफ इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट. ओके, देन आप देख पा रहे होंगे FCQ, PYQ, PDF आपको कितना मिल रहा है? ओनली ऑन 499 में. ऑल नोट्स की PDF आपको मिल रही है 499 में. रिकॉर्डेड क्लास आप देख पा रहे होंगे ओनली ऑन 499 में, रिकॉर्डेड क्लास सिर्फ. मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं 499 में. सो ज्वाइन नाउ, 100% ऑफ G2 10. अगर आप इन इन मतलब आप ये कोर्स बाय कर लेते हैं, देन फिर भी आपको 10% ऑफ मिलेगा. क्या कोड यूज करना पड़ेगा? G2 10. सो स्टार्ट करते हैं विद आवर फिल अप फॉर्म ऐप के साथ साथ विद आवर मोटिवेशन. जहाँ प्रश्न नहीं वहां जिज्ञासा नहीं, और जहाँ जिज्ञासा नहीं वहां ज्ञान का उद्गम हो ही नहीं सकता. आप समझ पा रहे होंगे, जहाँ प्रश्न नहीं होगा वहां जिज्ञासा कैसे पता चलेगी कि आप इंटरेस्टेड हैं? और जहाँ आप इंटरेस्टेड होते हैं वहां आप क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं अगेन एंड अगेन. पता है आपको, अगेन एंड अगेन क्या करते हैं आप लोग? क्वेश्चनिंग करते हैं, है ना? और जब जहाँ क्या होता है, ज्ञान का उद्गम होता है, स्टार्ट होता है, बढ़ना होता है, तो वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप जिज्ञासा करेंगे तभी तो आपको सीखने को मिलेगा, तभी आप चार क्वेश्चन पूछेंगे, तभी आपको चार क्वेश्चन का और एक्स्ट्रा आंसर मिलेगा. सो क्या करना पड़ता है? हमें जिज्ञासा दिखानी होती है किसी भी चीज को समझने के. सो स्टार्ट करते हैं. यू ऑल आर रेडी? आर यू ऑल रेडी? आप सब लोग तैयार हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए? अच्छे से पब्लिक इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए आप लोग तैयार हैं? ओके, तो लेट्स स्टार्ट इट. ओके, तो
मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस. पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, स्कोप का, क्लासिकल और न्यू क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट है वो डिस्कस करते हैं कि पब्लिक फाइनेंस के कॉन्टेक्स्ट में मनी रेजिंग, मनी स्पेंड करना, ये एक्टिविटीज गवर्नमेंट के द्वारा होती है. ठीक है, इन पब्लिक फाइनेंस वी स्टडी द फाइनेंस ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंस चलाया जाता है पब्लिक के लिए वो हम स्टडी करते हैं. Thus, public finance deals with the question how the government raises its resources to meet its ever-rising expenditure with the financial administration and control. Okay? So, आप देख पा रहे होंगे, one of the first book कौन सी थी हमारी written on the subject was the Watts Tables ने लिखी थी. किसने? 1982 में. According to Watts Tables के according, public finance deal करता है अपने expenditure के साथ and public and income of the public authorities of the state and their mutual relation as also with the financial administration and control. इस विषय पर आप देख सकते हैं विशेष रूप से लिखी गई पहली पुस्तक में से एक 1892 वास्तवल्स द्वारा लिखी गई थी. ठीक है, वास्तवल्स के अनुसार क्या बताया गया है, जो लोक वित्त के राज्य होते हैं उसमें सार्वजनिक प्राधिकरणों के व्यय और खर्च पे और आय में संबंध होते हैं. क्या होते हैं, इन दोनों में आय और व्यय में आपके कितनी आय जा रही है, कितना खर्चा कर रहे हो आप लोग, इसमें क्या होता है, संबंध स्थापित होता है. और वित्तीय प्रशासन नियंत्रण से संबंधित भी होता है. क्या होता है, ये एडमिनिस्ट्रेशन से इसका कनेक्शन होता है. ठीक है, अब स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अब स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस. So, आप देख पा रहे होंगे प्रोफेसर डेल्टन ने कैटेगरीज का स्कोप दिखाया, इसमें एरियाज विच इंक्लूड पब्लिक रेवेन्यू, जिसमें कितना क्या इंक्लूड है, पब्लिक रेवेन्यू मतलब राजस्व, सार्वजनिक राजस्व, फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर सार्वजनिक व्यय, फिर पब्लिक डेब्ट, डेब्ट मतलब आपको पता है सार्वजनिक ऋण, पब्लिक बोरिंग सार्वजनिक उधार, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब वित्तीय प्रशासन इसमें शामिल है. किसने बताया, प्रोफेसर डेल्टन के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करा गया. इसे क्या करा गया, कैटेगराइज, समझ रहे आप लोग. अब स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर. प्राइम पब्लिक रेवेन्यू में क्या देखते हैं, प्राइमरी स्कोप देखते हैं, जो कि क्या देखता है, पब्लिक फाइनेंस इज पब्लिक रेवेन्यू. द मेन सोर्स ऑफ इनकम का क्या है फॉर द गवर्नमेंट, लाइक टैक्सेस, फीस, फाइंस, स्पेशल असेसमेंट एंड कमर्शियल रेवेन्यूज from public undertakings. Here in scope of public revenue, the concept of canon of taxation. ठीक है, different types of taxation में क्या देखते हैं, merit and demerit of taxation का देखते हैं, and different type of tax rate need किसकी जरूरत होती है, studied करने की. ठीक है, so public expenditure, one of other important instrument of public finance. Public expenditure क्या है, एक instrument है public finance के लिए, important public expenditure करने के लिए. सो क्या देखते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर इंपॉर्टेंट है फॉर इंप्लीमेंटिंग वेरियस पॉलिसीज वगैरह को इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट पे, विद रिस्पेक्ट ऑफ वेलफेयर, ग्रोथ, स्टेबलाइजेशन एंड सो ऑन. हियर अगेन इट इज मोर रेलिवेंट टू स्टडी कैनन क्लासिफिकेशन एंड इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, है ना. अब इसमें देख लो, लोक राजस्व क्या बताता है, इसमें बताता है लोक राजस्व क्या बताता है, सार्वजनिक वित्त का प्राथमिक जो दायरा होता है वो सार्वजनिक राजस्व होता है. समझ गए आप, जो प्राथमिक इसका पहला वो प्राइमरी लेवल होता है ना, वो उसका सार्वजनिक राजस्व होता है. ठीक है, पब्लिक वाला होता है. सो आप क्या बताते हैं, इसके मुख्य स्रोत क्या क्या है सरकार के लिए, जैसे आय, जैसे कर लगाना, शुल्क वगैरह इस सब में, है ना. और ये जनता के लिए क्या है, कराधान के लिए मतलब कराधान की उसमें कर दे सके, और योग्यता कराधान के दोष के विभिन्न प्रकार की दरों का अध्ययन करने की आवश्यकता होती है इसके अंदर, है ना. अब सार्वजनिक व्यय में क्या देखते हैं आप लोग, कि वित्त के अन्य महत्वपूर्ण साधनों में एक सार्वजनिक व्यय भी इम्पोर्टेंट है, जिसकी नीतियां लागू करने के लिए क्या करना पड़ता है, कल्याण, विकास, स्थितिगत आदि में संबंध करते हैं, कौन, सरकार संबंध स्थापित करता है. यहाँ से ये जनता के कैनन वर्गीकरण और प्रभावों का अध्ययन करने के लिए अधिक प्रासंगिक होता है ये व्यय. ठीक है,
पब्लिक डेब्ट पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे, व्हेन पब्लिक एक्सपेंडिचर एक्सीड्स हो जाता है तो पब्लिक रेवेन्यू लीड्स कर जाएगा बर्डन ऑन इकोनॉमी। जो आपको पता है जब हमारे पास ऋण बढ़ जाएगा, मतलब हमारे पास ज्यादा हो जाएगा ऋण, है ना, हम चुकाते लोगों के कैसे लोगों से उधार लेते हैं, ऋण लेते हैं ना, तो क्या हो जाएगा हमारे पास जब ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा हमारे पास, क्या होगी, बर्डन हो जाएगा हमारे पर कि भाई हमें ये चुकाना भी एक टेंशन क्रिएट हो जाता है उससे। तो हे वी विल लर्न टाइप्स ऑफ डेब्ट इंटरनल एक्सटर्नल, क्या इम्पैक्ट होगा, दो तरीके के हो जाते हैं हमारे डेब्ट, एक इंटरनल हो जाता है और एक एक्सटर्नल हो जाता है, जो कि क्या इम्पैक्ट डालता है हमारे इकोनॉमी। ठीक है, इसको हिंदी में सार्वजनिक ऋण और उधार क्या होता है, जो कि सार्वजनिक व्यय सार्वजनिक राजस्व से अधिक हो जाता है, क्या हो जाता है, अधिक, तो ये बोझ की ओर ले जाता है, क्या हो जाता है, जब सार्वजनिक व्यय सार्वजनिक राजस्व से अधिक हो जाए, व्यय क्या हो जाए, सार्वजनिक राजस्व से अधिक हो जाए व्यय, तो क्या अधिक हो जाता है, तो क्या बोझ की ओर ले जा रहे, तो अर्थव्यवस्था क्या से बताती है, सार्वजनिक ऋण में अर्थव्यवस्था में होता है। तो यहाँ हम सीखेंगे कि विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक ऋण आर्थिक और बाहरी सार्वजनिक ऋण और इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। वित्तीय प्रशासन क्या बताती है, वित्तीय प्रशासन बताती है कि इसका विभिन्न जो वित्तीय प्रक्रिया है वो क्या है, राजस्व पे ऋण के संचालन को लगाती है। ये सार्वजनिक क्या बताता है, धन के संग्रह में अभिरक्षा और संचालन करता है, और ये बताता है कि शामिल करता बजट की तैयारी, बजट का कैसे ऑडिटिंग किया जाएगा, है ना, इसमें बताता है, जैसे कि आप देख सकते हैं फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर द स्कोप ऑफ फाइनेंशियली एडमिनिस्ट्रेशन वेरियस फाइनेंशियल प्रोसेस एंड ऑपरेट करता है किसको, पब्लिक रेवेन्यू को, पब्लिक एक्सपेंडिचर को, उसके डेप्थ को। सो इट एडमिनिस्ट्रेशन कलेक्ट करता है कस्टडी एंड डिसबर्समेंट वगैरह पब्लिक मनी में, इट कवर्स द प्रिपरेशन ऑफ द बजट, द एग्जीक्यूशन ऑफ द बजट एंड ऑल्सो ऑडिटिंग द फाइनेंस ऑफ द स्टेट। सो पब्लिक गुड क्या होता है हमारा, पब्लिक गुड, पब्लिक गुड में आप देखेंगे हमारा सार्वजनिक वस्तुएं क्या होती हैं, सार्वजनिक वस्तुएं वे वस्तु होती हैं जो सामान्य रूप से सामूहिक आवश्यकताओं या सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, क्या करती हैं, सामान्य रूप से क्या करती हैं, जो सामूहिक आवश्यकताएं होती है हमारी, सामाजिक आवश्यकता होती है उसको क्या करती है, पूर्ति करती है। सार्वजनिक वस्तुओं पे वे वस्तुएं सेवाएं हैं जिनका एक ही समय में कई लोगों द्वारा संयुक्त रूप से समान उपभोग किया जाता है, समझ गए, और एक व्यक्ति द्वारा क्या करा जाता है, इसके उपभोग से दूसरे व्यक्ति के लिए इसकी उपलब्धता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सार्वजनिक वस्तुओं सेवाओं के उदाहरण क्या होते हैं, सार्वजनिक सड़कें, स्ट्रीट लाइट, ये सब क्या होते हैं, वस्तुओं सेवाओं के क्या उदाहरण होते हैं, आपको पता है जो पब्लिक में आप जो यूज करते हैं वो सब चीजें, लाइट्स वगैरह, ये रक्षा के लिए सब क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये स्लोमेन के अनुसार सार्वजनिक वस्तुओं का अर्थ क्या होता है, एक अच्छी या सेवा है, मतलब इसका मीनिंग होता है, ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं, मुक्त व्यापार प्रदान नहीं किया जाता, जिसे क्या करा जाता है, मुक्त व्यापार यूज नहीं होता है इसके अंदर, है ना, सार्वजनिक वस्तुएं। तो आप इंग्लिश में देख लीजिए इसको, पब्लिक गुड्स क्या होता है, पब्लिक गुड्स होता है दोस गुड विच सेटिस्फाई कलेक्टिव वांट्स और सोशल वांट इन जनरल, पब्लिक गुड आर दोस गुड्स एंड सर्विसेज विच आर जॉइंटली एंड इक्वली कंज्यूम करता है किसमें, बाय मैनी पीपल एट द सेम टाइम पे, इट कंजप्शन बाय वन पर्सन डज नॉट अल्टर इट्स अवेलेबिलिटी फॉर अनदर पर्सन के लिए करता है, ठीक है, और एग्जाम्पल्स के अंदर क्या बताया हुआ है, पब्लिक गुड एंड सर्विसेज का, आर पब्लिक रोड, स्ट्रीट लाइट, ठीक है, डिफेंस एंड एजुकेशन सर्विसेज आ जाती है इसके अंदर। अकॉर्डिंग टू जिस स्लोमन के पब्लिक गुड्स रेफर करता है टू अ गुड सर्विस विच हैज अ फीचर ऑफ नॉन रिवाइवली एंड नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी एज अ रिजल्ट वुड नॉट बी प्रोवाइडेड बाय द फ्री मार्केट में, नहीं प्रोवाइड होता है ना, फीचर्स क्या है इसके अंदर, फीचर्स क्या है हमारे पब्लिक गुड के, सो हम फीचर्स पढ़ेंगे अपने, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, गैर प्रतिद्वंद्वी हमारी सत्य को क्या करती है, जो किसी वस्तुओं की खपत पर विशेष अधिकार इसके अंदर नहीं होता है,
दूसरों द्वारा उपभोग के लिए उपलब्ध मात्रा में क्या करा जाता है, कम किए बिना इसकी संख्या में लोग सेवन कर सकते हैं। और इसकी इसके अंदर कोई कंपटीशन नहीं होता है, व्यक्ति क्या करता है आनंद ले रहा होता है ना। और इसके अंदर क्या होता है, ये क्या होता है, अगर व्यक्ति अच्छा उपभोग करता है तो दूसरा व्यक्ति उसे रोकने में असंभव होता है, इसके अंदर ये बताया हुआ है। ठीक है, क्या करता है नॉन राइवलरस, क्या होता है इसमें नॉन राइवलरस में क्या होता है, इड्रिफस दिखाता है। तो फैक्ट नो वन हैज एक्सक्लूसिव राइट, नहीं होता उसके पास कंजप्शन गुड करने के लिए। इट कैन बी कंज्यूम बाय एनी नंबर ऑफ पीपल साइमल्टेनियसली विदाउट डिमिनिशिंग द अमाउंट अवेलेबल। इट बी कंज्यूम बाय अदर नॉन राइवल इट कंजप्शन बिकॉज वन पर्सन एंजॉयमेंट ऑफ द गुड डज नॉट रिड्यूस एनी वन एंजॉयमेंट। ठीक है, इसके अंदर नहीं कर पाता। और नॉन एक्सक्लूडेबल में क्या करता है वो, इट इज सिंपली वन पर्सन कंज्यूम करता है द गुड, इट इज बिकम इम्पॉसिबल टू प्रिवेंट अदर फ्रॉम कंज्यूमिंग करने के लिए। ठीक है, क्या करता है, अगर इट इज सिंपली होता है तो इफ वन पर्सन कंज्यूम करेगा गुड को तो इट इज बिकम इम्पॉसिबल टू प्रिवेंट करता है अदर फ्रॉम कंज्यूमिंग। अगर अ गुड इज नॉट एक्सक्लूडेबल बिकॉज क्या होता है, इसके अंदर वो अपने आप से यूज कर रहा होता है अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने कंफर्ट के अनुसार। और ये क्या गुड्स हैं, आर ऑफ कलेक्टिव कंजप्शन। क्या है कलेक्टिव कंजप्शन, पब्लिक गुड मे नॉट बी प्रोड्यूस, क्या करते हैं इसमें मार्केट 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 प्राइसिंग मैकेनिज्म है ना। पब्लिक गुड इंडिविजिबल होता है। ठीक है, क्या होता है हमारा, मतलब इसके अंदर हम डिवाइड नहीं करते, अविभाज्य होता है ना ये वस्तु। ये क्या करता है, उसमें सामूहिक उपभोग करता है इसके अंदर। ठीक है, और सार्वजनिक जो वस्तु होती है उसका मुक्त व्यापार मूल्य निर्धारण के माध्यम से नहीं किया जाता है, जो कि हम मुक्त व्यापार मूल्य निर्धारण से नहीं करते हैं, वैसे ही करते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या बताया गया है, जो सार्वजनिक हम भलाई करते हैं उसको समाज आयुक्त, ये क्या होती है, दोनों बराबर होती है। इस प्रकार सार्वजनिक वस्तुओं का उत्पादन क्या करते हैं हम, सामाजिक कल्याण बढ़ाने के लिए और सामूहिक जरूरत पूर्ण करने के लिए की जाती है। और सार्वजनिक जब हम वस्तुओं को सामाजिक तौर पे क्या लेके आते हैं, निजी लाभों के बीच में लाते हैं, तो इसमें क्या होती है, विभिन्नताएं पैदा होती हैं। ठीक है, और वस्तुओं को उदाहरण जैसे स्ट्रीट लाइट वगैरह हो गई, राष्ट्रीय और घरेलू सुरक्षा हो गई, राष्ट्रीय सार्वजनिक पार्क हो गया, कल्याणकारी कार्यक्रम, शिक्षा, सड़कें, ये सब क्या होती है हमारी यूज होती है। निजी वस्तुएं क्या होती हैं, निजी वस्तुएं, प्राइवेट गुड्स क्या होती है, जो जिन निजी वस्तुओं में क्या होता है व्यक्ति क्या मिलती है, सेवाओं की, वस्तुओं की सेवाओं की क्या मिलती है, संतुष्टि करती है। ठीक, उसके विपरीत क्या होता है, जब भी कोई क्या विशेषता रखी जाती है तो इस समान मुक्त व्यापार में क्या करा जाता है, इसका मूल्य निर्धारण करा जाता है। किसमें, ओपन मार्केट में, हमें इसमें ओपन मुक्त बाजार में इसका मूल्य निर्धारण होता है। ठीक है, और फिर क्या होता है, जब निजी काम होता है तो क्या होता है, एक व्यक्ति द्वारा उनके उपभोग से दूसरे के लिए क्या करा जाता है, उपलब्ध राशि कम कर दी जाती है। और तो क्या देखते हैं, उपयोगिता का क्या लेते हैं, आनंद लेते हैं या पूरा करते हैं इसको, और इसके लिए क्या करते हैं, भुगतान करना पड़ता है। जो भुगतान में रुचि नहीं दिखाएंगे तो क्या होगा, उनका लाभ नहीं उठा पाएंगे। और निजी सामान क्या होता है, भोजन, वस्त्र, आश्रय, परिवहन वगैरह का यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, अगर आप भुगतान नहीं करोगे, रुचि नहीं दिखाओगे इसके अंदर, तो आप कैसी चीजों का यूज करोगे, है ना। तो यही हमारी निजी वस्तु, जो हम प्राइवेट चीजें यूज करते हैं हमारी खुद के उपभोग के लिए, है ना। प्राइवेट गुड्स का पता है आपको, फूड वगैरह चाहिए हमें, क्लोथ चाहिए, सब क्या है हमारे, ये हमारा क्या है, लग्जरी, ये क्या है हमारा, निजी है। प्राइवेट गुड्स क्या हो गया हमारा,
जस्ट इनवर्स हो जाता है. तो व्हाट पब्लिक गुड प्राइवेट गुड्स एंड सर्विस सेटिस्फाइड इंडिविजुअल वॉन्ट हैव द मतलब इसके अंदर क्या होता है, खुद का एक इंडिविजुअल होता है सबका अपना अपना प्राइवेट गुड्स में निजी, उसका निजी खर्चा होता है. दीज गुड्स क्या भी प्रोड्यूस करता है अपनी फ्री मार्केट प्राइसिंग को, इसको वो फ्री कर देता है. ठीक है, प्राइवेट गुड्स राइवल इन कंजप्शन, देयर कंजप्शन बाय रिड्यूस अमाउंट ऑफ अदर, है ना. और इसके अंदर क्या देखते हैं, प्राइवेट गुड्स आर सब्जेक्ट टू द प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन. सो एग्जाम्पल देखते हैं, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन एटसेट्रा, ये सब इसमें हम देखते हैं. इसमें क्या होता है, निजी वस्तुओं का उपभोग करने में प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन हो जाता है ना. और जैसे अगर मान लो उसने आईफोन ले लिया निजी वस्तुओं में, तो वो क्या करेगा, उसकी एज एन एन कॉपी वो आईफोन लेगा. बिकॉज क्या है, उसको क्या करना है, उसको शो ऑफ करना है. क्या करना है, उसे शो ऑफ करना है, तो उसके लिए वो लेगा. ठीक है, ये सामान क्या होता है, बहिष्करण सिद्धांत के अधीन आता है. ये वस्तुएं व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करती है. निजी वस्तुएं जो होती है हम यूज करते हैं, क्लोथ, फूड वगैरह, इनका उत्पादन मुक्त व्यापार मूल्य निर्धारण के माध्यम से करा जाता है ऊपर मार्केट में. जहां तक उनके उपयोग का संबंध होता है, तो निजी वस्तुएं क्या होती है, विभाजित कर दी जाती है. ठीक है, एक अतिरिक्त उपभोक्ता को निजी वस्तु को प्रदान करने की सीमांत लागत हमेशा सकारात्मक होती है. क्या होती है, सकारात्मक होती है. करेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइवेट गुड का क्या होता है, प्राइवेट गुड्स आर रिवेल्यूअर्स इन कंजप्शन होता है. ठीक है, प्राइवेट गुड्स क्या क्या हो रहा है, रिवेल्यूअर्स हो रहा है किसके अंदर, कंजप्शन के अंदर. दीज गुड्स आर सब्जेक्ट टू द एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, दीज गुड्स सेटिस्फाई इंडिविजुअल बॉन्ड को क्या करता है, पूरा करता है. क्या करता है इसको, इंडिविजुअल बॉन्ड को क्या करता है, पूरा करता है. दीज कैन बी प्रोड्यूस थ्रू फ्री मार्केट प्राइसिंग, क्या होता है, प्रोड्यूस करता है किसको, फ्री मार्केट के प्राइस को, है ना. और प्राइवेट गुड क्या बताता है इसको, डिविजिबल इनटू सो फार एज देयर यूज इज कंसर्न, है ना. मार्जिनल कॉस्ट क्या बताता है, प्रोवाइडिंग अ प्राइवेट गुड टू एन एक्स्ट्रा कंज्यूमर इज ऑलवेज पॉजिटिव में रहता है हमारा. जब मार्जिनल कॉस्ट उसे मिलती है, प्रोवाइड करी जाती है प्राइवेट गुड में, तो क्या देखता है, एक्स्ट्रा कंज्यूमर इज ऑलवेज क्या रह जाते हैं, क्या रह जाते हैं, पॉजिटिव में रह जाते हैं. ठीक है, सकारात्मक होता है. जब क्या होता है, एक उपभोक्ता अपनी निजी वस्तु को प्रदान करने की सीमांत लागत हमेशा क्या होती है, उसकी पॉजिटिव होती है. क्या होती है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, एक्सटर्नैलिटी, अव्यवहार्यता क्या होती है, एक्सटर्नैलिटी में आप क्या करते हैं, एक वार्ता की व्याख्या स्पिल और ओवर इफेक्ट या थर्ड पार्टी इफेक्ट के रूप में की जाती है. मतलब एक्सटर्नैलिटी में बाहरी लोगों की बात की जाती है. ये दो तरीके की भिन्नता पाई जाती है, एक इसके अंदर जाता है पॉजिटिव और एक इसके अंदर जाता है नेगेटिव. जब कब उत्पन्न होती है, जब कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, कोई भी काम कोई करता है और उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, तो उसको क्या मुआवजा नहीं मिलेगा, उसमें क्या मिलेगा, उसको जो प्रॉफिट मिलना होता है वो नहीं मिलता है ना. द्वितीय पक्ष में क्या देखते हैं, एक संगठन या कोई भी ग्रुपिज्म होता है, तो उसके रूप में क्या देखते हैं, उपभोक्ता और उत्पादनों के क्या होता है, प्रत्यक्ष लाभ को प्राप्त करता है या पीड़ित होता है, तो अपने स्वार्थ साधन का प्रयास कर रहा होता है. और इसकी उदाहरण की व्याख्या दोनों रूप में की जाती है. क्या कही जाती है, दोनों रूप में की जाती है. एक्सटर्नैलिटीज देख लिया आपने, इसके अंदर एक्सटर्नैलिटी क्या होती है हमारी, क्या होती है, स्पिल करती है ओवर इफेक्ट ऑफ थर्ड पार्टी इफेक्ट के अंदर डाल देती है. पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी होती है और नेगेटिव होती है, जो कि इफेक्ट डालती है. जब एक्सटर्नैलिटी अराइज होती है, तो क्या होता है, एक्टिविटी में फर्क पड़ता है, चाहे डायरेक्टली ले लो और चाहे इनडायरेक्टली ले लो. और पॉजिटिवली और नेगेटिवली इन पे इम्पेक्ट पड़ता है,
ठीक है। और थर्ड पार्टी जब इंडिविजुअल इसके अंदर हो जाती है, तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या देखते हैं आप, कम्युनिटी एज वेल एज क्या करते हैं उसको बेनिफिट डालते हैं, है ना, और अटेम्प्ट करते हैं परस्यू अपने सेल्फ इंटरेस्ट को, है ना। एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नैलिटी क्या बताता है, कैन बी इंटरप्रेटेड बताता है किसको, इंटरप्रेटेड इन बोथ फॉर्म, इट कैन बी द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एंड प्रोडक्शन एज वेल। एज वेल क्या देखा जाता है इसके अंदर, सो कंजप्शन एक्सटर्नैलिटी, प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। उपभोग व्यर्थता क्या होती है, जैसा कि इसमें मान लो कि एक व्यक्ति गोपनीयता चाहता है ना, कि प्राइवेसी चाहता है, और इसलिए वह क्या करता है, निर्माण करता है अपनी ऊंची, पड़ोसी घर में धूप आने से रोक सकती है, तो क्या कर सकती है इसके अंदर, इसके अंदर बता रहे हैं कि वो उपभोग की बात करता है, कंजप्शन एक्सटर्नैलिटी क्या होती है, सपोज अ पर्सन वॉट प्राइवेसी चाहता है, तो हाई फेंस विच में ऑब्स्ट्रक्ट द सनशाइन टू हिज नेबर हाउस, इसके अंदर क्या करता है, कंजप्शन की एक्सटर्नैलिटी हो जाती है, उसको देखिए क्या करता है, अगर वो ज्यादा ले रहा है तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो भी ज्यादा कंजप्शन करेगा, उसी को देख हम देख वो चीजों को हाईली फेंस में बीच में ऑब्स्ट्रक्ट द सनशाइन टू हिज नेबर्स हाउस को सनशाइन कर देता है एक तरीके से, तो उसी तरीके से क्या करता है, वो भी सेम एज चीजें प्रोसेस करता है। प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी क्या होती है, प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी ये हो जाती है, ये एग्जिस्ट करती है व्हेन प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ फर्म डायरेक्टली अफेक्ट करती है और अनदर फर्म को, एग्जांपल एक फर्म को रिवर को लेते तो इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो वाई क्या करेगी, कम हो जाएगी, जब एक का डिस्ट्रा कर दोगे तो अब दूसरे का क्या फर्क पड़ेगा, तो टू टाइप्स ऑफ एक्सटर्नैलिटीज देखी जाती है इसके अंदर, एक हो जाता है नेगेटिव और एक हो जाता है हमारा पॉजिटिव। जब थर्ड पार्टी इफेक्ट डालती है तो वो क्या हो जाती है, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी हो जाती है, और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज ही लीड करती है मार्केट को प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों को, एग्जाम्पल व्हेन द फर्म डू नॉट पे फॉर द पॉल्यूशन के लिए पे नहीं कर रही है, तो देयर कॉस्ट वुड बी लो एंड दे वुड मोर प्रोड्यूस मोर, तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वो प्रोड्यूस क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। समझ, नकारात्मक बाह्यता क्या होती है इसके अंदर, जब तीसरे पक्ष पर क्या होता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो ये होता है कि नकारात्मक बाह्यता कहा जाता है। तो क्या होता है इसके अंदर, नकारात्मक के अंदर क्या देखते हैं, बाजारों की ओर ले जाती है, तो कि क्या अधिक मात्रा में उत्पादन करते हैं सामाजिक, जब फर्मों प्रदूषण के लिए भुगतान नहीं करते तो उनकी लागत कम होती है और वे करेंगे अधिक उत्पादन, लागत क्या हो जाएगी उनकी, कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जब तीसरे पक्ष को क्या किसी से लाभ मिलता है तो क्या होता है उसमें गतिविधि, उदाहरण यदि कोई उद्यमी क्या होता है आतिशबाजी दिखाता है तो लोग क्या कर सकते हैं, उनके खिलाड़ियों या है ना, जैसे क्या होता है कोई उदाहरण के लिए क्या आतिशबाजी दिखाता है ना, तो उसमें क्या देखा जाता है, क्या देखते हैं पॉजिटिव के अंदर कि
when third party get benefits. For example, enterprise stage a fireworks show, people can visit the show windows and their bank. मतलब क्या लोग क्या करते हैं, उनके पीछे से चीजें देखते हैं कि वो कैसे क्या कर रहे हैं, है ना। और पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज में मार्केट्स भी यूज करती है स्मॉलर क्वांटिटी में, छोटी छोटी, और सोशली डिजायरेबल होती हैं चीज़ें, डिजायरेबल हो जाती है इसके अंदर। द नी मेन प्रॉब्लम क्या होती है विद एक्सटर्नैलिटी इन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन इज दैट देयर कॉस्ट और बेनिफिट को दिखाता है और नॉट रिफ्लेक्ट इन द मार्केट प्राइस पर रिफ्लेक्ट नहीं करता है। द एक्सटर्नैलिटी मेक इट पॉसिबल इम्पॉसिबल फॉर द मार्केट टू रीच अ पैरेटो ऑप्टिमम। इसमें बता देती है पैरेटो ऑप्टिमम जो कि हमने पढ़ा था, असंभव बना देती है। फंक्शन क्या देखा जाता है इसमें, फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या देखे जाते हैं गवर्नमेंट के, इनटू परफॉर्म करता है की फंक्शन इन द इकोनॉमी, एलोकेशन फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, स्टेबलाइजेशन फंक्शन और ग्रोथ फंक्शन, है ना। एलोकेशन फंक्शन क्या देखा जाता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फिस्कल पॉलिसी टू डिटरमाइन हाउ द कंट्री रिसोर्स, कैसे कंट्री रिसोर्स करती है ना, इसमें ये हम देखते हैं। And will be allocated क्या बता दी, what should be the share of different sector of the economy in terms of resources allocation? Allocation of resources depend upon the collection of taxes and size of composition of government expenditure देखा जाता है ना। गवर्नमेंट कैन क्या करता है, यूज टैक्सेशन को यूज करता है, सब्सिडीज और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस। एग्जाम्पल जैसे कि आप देख सकते हैं टैक्स इंसेंटिव हो जाता है ना, यूनिट टू इनकरेज वगैरह ये सब चीज इसके अंदर देखी जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, नेशनल इनकम शुड बी प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है, फ्रूट ऑफ डेवलपमेंट आर फेयरली शेयर्ड बाय द ऑल पीपल, ठीक, इक्वालिटी इन इनकम होती है, वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटीज वगैरह देखी जाती है इसके अंदर। मस्ट फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इकोनॉमी डेवलपमेंट एंड सोशल एडवांस देखा जाता है इसके अंदर, किसके अंदर देखा जाता है, सोशल एडवांस देखा जाता है इसके अंदर। समझ में आ रही है क्या बोल रही, समझ में आ रहा है। ठीक है, सो आप क्या देखते हैं, फिस्कल पॉलिसी क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है स्पेंडिंग इन टू वेज में स्पेंड करती है, ठीक है। एक होता है डायरेक्ट चेंजेस हो जाता है टोटल स्पेंडिंग में, क्यों, जब आप गवर्नमेंट के लिए इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं अपने एक्सपेंडिचर से, है ना। डायरेक्ट चेंजेस क्या होता है, टोटल स्पेंडिंग में दिखाया जाता है गवर्नमेंट इंक्रीज या डिक्रीज करती है, और सेकंड में क्या होता है, इंक्रीज और रिड्यूसिंग, प्राइवेट के अकॉर्डिंग क्या देखते हैं आप, फेवर करते हैं पुअर सेक्शन को। स्टेबलाइजेशन क्या होता है, स्थिरीकरण कार्य क्या हो जाता है, जब राजकोषीय नीति का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, विशेष रूप से विकसित अर्थव्यवस्थाओं में जो व्यापार चक्र का अनुभव करते हैं, तो व्यापार चक्र विभिन्न प्रकार के चरणों में शामिल होते हैं, जैसे समृद्धि, पीक, मंदी, अवसाद, ये क्या करते हैं चक्र, चालवार, पुनरावृत्ति, जिसके आय, रोजगार, उत्पादन, बचत और निवेश जैसी आर्थिक चर प्रभावित करते हैं, ठीक है। राजकोषीय नीति में इन उतार चढ़ावों का मुकाबला करने के लिए होती है, इसे प्रति चक्रीय राजकोषीय नीति के रूप में जाना जाता है। उतार चढ़ाव के प्रभाव को कम करने के लिए चक्रीय राजकोषीय नीति का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार मंदी की अवधि के दौरान क्या करता है, व्यय में वृद्धि करता है, है ना, यानी घाटे के बजट को अपना कर उतार चढ़ाव को स्थिर करता है। इसके विपरीत क्या देखते हैं, मुद्रास्फीति के दौरान क्या देखते हैं, अतिशेष बजट का उपयोग करके
करों को क्या करता है, बढ़ाता है और स्थिरता ला देता है इसके अंदर। स्थिरीकरण के अंदर आप देख सकते हैं इन इंग्लिश में स्टेबलाइजेशन फंक्शन क्या करता है। स्टेबलाइजेशन फंक्शन इज अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है फिजिकल पॉलिसी का, और स्पेशली डेवलप करता है एक्सपीरियंस बिजनेस साइकिल में। बिजनेस साइकिल हमने देखा था, इसके अंदर प्रोस्पेरिटी पी के सब हमने पढ़ा था, लाइफ साइकिल बिजनेस साइकिल ये बताया था ना, इसके अंदर कैसे होता है ये सब देखा था हमने। ये कौन सा पॉइंट होता है, ये कौन सा पॉइंट होता है, ये क्या पॉइंट होता है, ये क्या पॉइंट होता है, ये एक पीक होता है ना, ये सब क्या देखा था, रिसेशन हो जाता है, यहाँ पे डिप्रेशन हो जाता है, सब पढ़ा था हमने। इसके अंदर क्या देखा था, अगेन एंड अगेन लीडिंग करता है कैसे, लाइक एम्प्लॉयमेंट आउटपुट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन सबको, है ना, फ्लक्चुएशन होता रहता है, चेंजेस उतार चढ़ाव होते रहते हैं, है ना, तभी तो होता है इसके अंदर बिजनेस साइकिल के अंदर हमने देखा था, इसके अंदर उतार चढ़ाव होते हैं, फ्लक्चुएशन होते हैं चीज़ों को लेकर पढ़ा था हमें। सेम मैंने आपको बताया था, जैसे कि आपको पता है ना, आपको अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग कि माइक्रो मैक्रो अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपको और चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। ग्रोथ का फंक्शन कैसे आप इसके अंदर देखते हो, वृद्धि कार्य कैसे करेंगे, विकास दर को तेज करने के लिए क्या करते हो आप, पूर्ण रूप से नियोजित संसाधनों का क्या करते हो आवंटन, मतलब एक तरीके से आप करते हो इनका, जैसे आप बांटा करते हो, आवंटन करते हो ना, इसमें लिखा होगा एलोकेशन, बांटा करते हो। सच एक्टिविटी क्या करती है, इंक्रीज करती है प्रोडक्ट, ये जो एक्टिविटीज हैं इंक्रीज प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इकोनॉमी में दिखाती है, जबकि फिजिकल पॉलिसीज यूज थ्रू इट टैक्स इंस्ट्रूमेंट को दिखाती है ना, एंड डिस्करेज कंजप्शन सो डेट प्रोडक्शन में इंक्रीज करेगा। इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू इंक्रीज कैपिटल फॉर्मेशन दैट इज पॉसिबल थ्रू रिड्यूसिंग टैक्स को और पर्सनल इनकम को क्या करेगी, रिड्यूस कर देगी, है ना। थ्रू वेरियस प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड सोशल इकोनॉमी को प्रोवाइड कर देती है ओवरहेड एंड डिपेंडिंग अपॉन द एबिलिटी, क्या करती है एबिलिटी करती है किसकी, एग्जाम्पल डेवलपिंग कंट्री इंडिया हो गई, है ना, वी हैव एक्सेस ऑफ लेबर है हमारे पास कंपेयर टू कैपिटल के जरिए, आप देखिए तो वहाँ पर लेबर क्या है ज़्यादा है, गवर्नमेंट शुड बी इन्वॉल्व कर सकती है अबाउट मोर लेबर को यूज कर सकती है, मतलब सरकार को श्रम आधारित परियोजना की स्थापना करके श्रम को अधिक शामिल करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास उपलब्धता के आधार पर भारत जैसे विकासशील देश में पूंजी की तुलना श्रम की अधिकता ज्यादा होती है। आपको पता है बेरोजगारी इसीलिए ज्यादा है क्योंकि हमारे पास श्रम ज्यादा है, है ना, लोग ज्यादा है, लेबर ज्यादा है हमारे पास, कैपिटल हमारे पास क्या है कम है इसकी तुलना में, है ना। ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक बजट के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, एज पर आपका क्लासिकल व्यू से देखा जाए तो स्टेटमेंट ये ओनली बैलेंस करता है इसको, और इनकम एक्सपेंडिचर जब इकोनॉमी में करते हो एज पर वेलफेयर इकोनॉमिस्ट के जरिए होता है, और भी ज़्यादा वाइडर हो जाता है तो ये क्या करता है इसके अकॉर्डिंग इसमें काम करता है कि इनकम कितना है आपका, बजट कितना है। और मॉडर्न इकोनॉमी के जरिए आप क्या देखते हैं, फिजिकल पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, और गवर्नमेंट क्या अचीव करती है, मल्टीपल जो ऑब्जेक्टिव होते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर रिक्वायरमेंट्स, मतलब उसके रिक्वायरमेंट्स के ऊपर उस पर डिपेंड होता है। सार्वजनिक बजट के उद्देश्य क्या हो जाते हैं, शास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार जो बजट केवल एक कथन है उसमें संतुलित करता है, अर्थव्यवस्था के आय और व्यय की स्थिति क्या होती है, लेकिन कल्याणकारी अर्थशास्त्र के अनुसार क्या होता है ना, और जब केवल आय और व्यय के रूप में आप विवरण करते हैं तो क्या दिखाता है, इसके अनुसार आधुनिक जो अर्थव्यवस्था होती है इकोनॉमी होती है हमारी, उसके लिए बजट करना एक साधन हो जाता है ना, आवश्यकता के आधार पर सरकार क्या करती है कई उद्देश्यों को प्राप्त कर सकती है, मतलब जब उसकी आवश्यकता होगी उसके अनुसार क्या क्या कर सकती है, मोर उद्देश्यों को प्राप्त कर सकती है।
एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या दिखाता है इसके अंदर? रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी ना, इसमें क्या देखते हैं? किसी भी सार्वजनिक में, मान लो ये किसी भी सार्वजनिक बजट या मौलिक उद्देश्य का देखते हैं, जब संसाधन सीमित होते हैं तो सरकार ऐसे संसाधनों का क्या कर सकती है, उपयोग कर सकती है, आवश्यक उत्पाद के लिए क्या करती है, संसाधन को मोड़ने की कोशिश करती है। हाँ, मतलब आप समझ पा रहे होंगे, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में देख पा रहे होंगे, जब हम आवंटन करते हैं किसी चीजों का, तो आप देख रहे होंगे जब एनी एज रिसोर्स जब लिमिटेड होते हैं तो क्या होता है, ऑप्टिमली यूटिलाइज करा जाता है चीज़ों को, रिसोर्सेज के गवर्नमेंट को डाइवर्ट किया जाता है, रिसोर्सेज किसके, प्रोडक्टिव पर्सन के, है ना। अब आप रिडक्शन कर रहे हो पॉवर्टी में एंड इनकम इक्वालिटी लाना चाहते हो, मतलब सबकी इनकम में इक्वालिटीज करना चाहते हो, मान लो गरीबी और आय का असमानताओं में कमी करना चाह रहे हो, कि उसमें कि जो जो असमानता है वो हम कमी कर पाए, तो उसमें क्या चुनौतियां होती है, में से एक होती है विकासशील राष्ट्र के सामने अमीर और गरीब के बीच की खाई चौड़ी हो रही होती है। मतलब उसे ना, ऑफकोर्स आपको पता है जब आय की असमानता होगी, जब अमीर होगा कोई रिच पर्सन होगा तो उसकी आय ज्यादा होगी, इनकम ज्यादा होगी, और जो पुअर आदमी होगा उसकी इनकम कम होगी, तो उसकी और भी चीजों पर क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, तो सारी चीजें क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है, और उसमें क्या होता है, असमानता की समस्या इसमें पैदा हो जाती है। लेकिन संविधान का जब भुगतान करने की क्षमता पर क्या आधार पर क्या क्या देखते हैं, क्या देखते हैं आप इसके अंदर, कि जब वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस करते हैं इन फ्रंट ऑफ डेवलपिंग नेशन के बीच में, तो गैप बिटवीन किसका होता है, रिच एंड पुअर का गैप देखा जाता है ना, वाइडनिंग द प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी। बट आप बेसिस देखते हैं इसके ऊपर, गवर्नमेंट विल भी चार्जिंग करता है टैक्स किसके लिए, इसके लिए गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट ज़्यादा ज़्यादा मिल सके, बूस्ट कर सके अपने, और उसकी गैप को भर सके, है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, पब्लिक बजट जब हेल्प करता है जीडीपी को सही करने में, तो गवर्नमेंट प्लान करती है वेरियस पॉलिसी, है ना, तो मोबिलाइजिंग सेविंग, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट एंड आल्सो मोबिलाइजिंग रिसोर्स वगैरह, इन्वेस्टमेंट वगैरह, तो इन सबको क्या करती है, इन सबको फर्क डालती है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है हमारी, आर्थिक विकास होती है, सार्वजनिक बजट जो होता है उसकी शक्ल घरेलू उत्पाद को बढ़ाने देने में मदद करता है, और जब इकोनॉमी के अंदर सरकार आवश्यक कारकों पर विचार करती, मतलब विचार करती है, तो नीतियां योजना बना रही होती है, ये हो जाता है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास में बजट जुटाना, उत्पादन में वृद्धि होती है, पूंजी निर्माण प्रोत्साहन के लिए निवेश, संसाधन जुटाने के लिए निवेश करता है, मतलब वो चाहता है मेरे पास संसाधन होंगे तभी तो मैं आगे उत्पादन कर पाऊंगा, तो उसमें क्या करता है, वो संसाधनों को जुटाने के लिए निवेश करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। आर्थिक स्थिरता क्या होती है, व्यापार के चक्रीय में उतार चढ़ाव को दिखाता है, मुद्रा स्फीति और मंदी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थिति दिखाता है ना, जो हमने पढ़ा था हमने, कि क्या करता है, इन्फ्लेशन गवर्नमेंट इंक्रीज टैक्स एंड रिड्यूस पब्लिक एक्सपेंडिचर, वाइस वर्सा ड्यूरिंग रिसेशन इकोनॉमी स्लो डाउन बट इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन, गवर्नमेंट इंक्रीज करती है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को एंड रिड्यूस करती है टैक्स को, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, आपको पता है मनरेगा वगैरह ये सब होती है, फोकसिंग करता है इस पर गवर्नमेंट, इस पर ज़्यादा फोकस करती है अपने बजट को, अच्छे तरह स्कीम लगाती है इसके अंदर, है ना, सरकार अपने बजट में शामिल करने की कोशिश करती है इन सब। उदाहरण के लिए इसमें देखो, सार्वजनिक उद्यमों का जब प्रबंध करती है तो उसमें क्या देखती है,
क्या देखती है? उदाहरण के लिए जैसे भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा सुविधाएं वगैरह उद्देश्यों को पूरा करने के लिए धन की कमी करती है, तो वो क्या करती है, इन सबको मनरेगा वगैरह इन सब की योजनाओं को क्या करती है, वो यूज करती है, प्रमोट करती है इंडस्ट्री को, फोकसिंग और मोर उपाय के अंदर। तो गवर्नमेंट इन इट्स बजट ट्राइज टू इंक्लूड, इसमें क्या करती है, ट्राई करती है इसको, प्रोग्राम को रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने को, स्कीम को। एग्जाम्पल मनरेगा ऑल्सो ट्राई टू प्रमोट इंडस्ट्री बाय फोकसिंग मोर ऑन MSME। ठीक है। टाइप ऑफ पब्लिक बजट कितने टाइप के होते हैं? ट्रेडिशनल हो जाता है, जीरो बजट बेस्ड हो जाता है। ट्रेडिशनल में क्या होता है, ये कॉमन बजट होता है जो चेंजेस करते हो आप हर ईयर में, है ना, इंक्रीमेंटल वगैरह होता है इसके, है ना, हैंस प्रीवियस प्रोग्राम प्रोजेक्ट का कंटिन्यू फंडेड वगैरह जो आप डालते हो, है ना। पारंपरिक बजट क्या हो जाते हैं, ये सबसे आम बजट होता है जहाँ परिवर्तन होता है, पिछले वर्षों को ध्यान में रखा जाता है, वृद्धिशील दृष्टिकोण से क्या करा जाता है, लागू किया जाता है। इसलिए पिछले वर्षों में क्या होता है, कार्यक्रम के परियोजनाओं को देखा जाता है ना, जारी रखने के लिए वित्त पोषित करा जाता है, उसके अंदर ज्यादा ज्यादा खर्चा किया जाता है ना। शून्य आधारित बजट क्या होता है? शून्य आधारित बजट होता है, सभी मदों को शामिल किया जाता है, केवल परिवर्तन होता है इसके अंदर। शून्य आधारित बजट की प्रक्रिया शून्य आधार से शुरू होती है और एक संगठन के भीतर क्या करती है, हर कार्य को विश्लेषण, आवश्यकताओं को, लागतों के लिए पूरा किया जाता है ना। बैलेंस बजट के अंदर आप देख सकते हैं, वेट पब्लिक रेवेन्यू इक्वल हो जाता है पब्लिक एक्सपेंडिचर के, है ना। और बैलेंस बजट देखते हैं इसके अंदर, और क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट है वो बिलीव करते थे एक्सपेंडिचर करने में, है ना, बजट का उसमें क्या रहा है, बैलेंस बना रहे, है ना, इसमें ज्यादा तो बैलेंस बना रहे। व्हेन देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, जब रोजगार पूरा होता है, तो एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाती है, इक्विलिब्रियम में आ जाती है। समझ गए आप, एग्रीगेट डिमांड और सिक्योर क्या हो जाती है, इक्विलिब्रियम में आ जाती है। और बजट क्या हो जाता है, क्या हो जाता है बजट, संतुलित बजट क्या देखते हैं, जब सार्वजनिक राजस्व और सार्वजनिक व्यय बराबर होता है तो क्या होता है, तो संतुलित बजट के रूप में विचार करते हैं। जो हमारे इसमें, जब आप पूर्ण रोजगार में होते हो, फुल एम्प्लॉयमेंट में होते हो, तो कुल आरपी कुल मांग क्या है, तो पूर्ण रोजगार पर संतुलन में इसके कारण आप देख सकते हैं बराबर होता है व्यय, इसलिए बजट संतुलन में रहता है। ठीक है। रोजगार क्या है यहाँ पर, आज रोजगार पूरी तरीके से है, पूर्ण है, इसलिए यहाँ पे क्या है, डिमांड और सप्लाई, कुल मांग और कुल पूर्ति को क्या देखा जाता है इसके अंदर। अनबैलेंस बजट क्या होता है, जब इसके अंदर क्या देखते हैं, असंतुलित बजट होता है इसके अंदर, असंतुलित बजट होता है इसके अंदर, जब देखा जाता है विपरीत, जब असंतुलित बजट को सार्वजनिक व्यय के साथ जनता के साथ क्या करा जाता है, असंतुलन का कारण बताया जाता है। तो सरकार द्वारा किया गया व्यय और संतुलित बजट के क्या उदाहरण होते हैं? अधिशेष बजट और घाटे का बजट, सरकार के अधिशेष बजट के मामले में सार्वजनिक राजस्व, सार्वजनिक व्यय, इसके विपरीत घाटे का बजट, बजट क्या है, सार्वजनिक राजस्व सार्वजनिक व्यय से कम हो जाता है, यानी सार्वजनिक राजस्व हो जाता है और सार्वजनिक व्यय को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। परफॉर्मेंस बजट क्या होता है? परफॉर्मेंस बजट होता है फंक्शंस वगैरह पे आप इन्वॉल्व करते हो, इकोनॉमी में कितना खर्चा कर रहे हो आप, है ना, अल्टीमेट गोल को पाने के लिए इकोनॉमी में क्या आप इनपुट लगा रहे हो, रिसोर्सेज में कितना, सर्विसेज में आप खर्चा कर रहे हो, तो ये सब किसमें दिखाता है, हमारा प्रदर्शन बजट में दिखाता है, जिसमें आप देख सकते हो एक संगठन की प्रत्येक इकाई के लिए संसाधनों सेवाओं को उत्पादन किया जाता है। प्रदर्शन बजट में तीन पहलू शामिल होते हैं जिन्हें समझा जाता है, उन अंतिम तक पहुंचने के लिए अपनाए गए उपकरण और रणनीतियां देखी जाती, परिणाम और विशिष्ट गतिविधियां। प्रोग्राम बजट क्या होता है? या प्रोग्राम बजट इज अ बजट फॉर्म स्पेसिफाई स्पेसिफिकली क्या होता है, स्पेसिफिकली क्या देखा जाता है चीजों को, कि प्रोजेक्ट और प्रोग्राम में कितने टाइप का बजट को एक्सपेंसिव कर रहे हो, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे, एक ही प्रोजेक्ट पे,
और नो रेवेन्यूज नो एक्सपेंसेस इसके अंदर प्रोजेक्ट्स में नहीं होता है ना। और मिक्स्ड पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आप देखते हैं तो गवर्नमेंट हैज टू नो वर्क टू मल्टीपल। सो दे डिवाइड दीज फंक्शंस इनटू स्पेसिफिक प्रोग्राम एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट्स डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड रिक्वायरमेंट एंड ऑल्सो द अर्जेंसी ऑफ द प्रोग्राम फंड इज एलोकेट। कार्यक्रम बजट क्या देखा जाता है? कार्यक्रम जो कार्यक्रम का बजट होता है वो किसके लिए बनाया गया है? एक परियोजना या कार्यक्रम करने के लिए बनाया गया है। मान लो कार्यक्रम के अंदर क्या देखते हैं आप लोग, जैसे विशेष रूप से क्या करा जाता है, किसके लिए बनाया गया जाता है ना। परियोजना या कार्यक्रम को किस प्रकार से बजट में व्यय और शामिल करते हैं, तो ये सब क्या देखा जाता है? परियोजना मिश्रित होती है, सब मिक्स होती है। सरकार को क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ता है अपनी कई कार्यों पर, जिम्मेदारियों पर, इसलिए भी क्या करती है, विभाजित कर देती है सब चीजों को। आवश्यकता और कार्यक्रम निधि की तत्कालिकता क्या है? मतलब क्यों, मतलब अगर आप जल्दी से कोई काम को करते हो तत्काल में करते हो तो उसका रीजंस क्या है, इसके अंदर वो पूछा जाए। तो देख पा रहे होंगे मल्टीपल बजट के अंदर क्या चीज़ें देखी जाती हैं कि आपका मल्टीपल बजट क्या करता है, सब डिवाइडेड करा जाता है कुछ पार्ट्स में, ठीक है, जो कि आप ईच एंड एवरी पार्ट में क्या करते हैं उसको स्पेशली फंक्शंस में यूज़ करते हैं जब आप मल्टीपल बजट बताते हैं। तो सब कामों में आप क्या करेंगे उसको देखेंगे कि हाँ ये इसमें भी यूज़ होगा, इसमें भी, तो इसको सब में हम बजट को लगा के चलते हैं। गवर्नमेंट शोइंग अपना बजट दिखाती है प्रैक्टिस अपने इंडियन में एज वेल एज इंडियन। गवर्नमेंट अनाउंस करती है रेलवे बजट और यूनियन बजट को, है ना, इसमें क्या करती है अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से घोषणा करती है। जो प्रतियोगिता में क्या विशेष कार्य पर विकास जानता है सरकार द्वारा उनकी बजट दिखाना भारत में भी चलने में है भारतीय, है ना। सरकार ने रेल बजट और केंद्रीय बजट की अलग अलग घोषणा भी की है, मतलब ये बता रहे हैं सरकार ने रेल बजट और केंद्रीय बजट की अलग अलग घोषणा करी है बजट की। रेवेन्यू बजट क्या दिखा देता है और इनडायरेक्ट बजट आप देख सकते हैं। रेवेन्यू बजट और इनडायरेक्ट राजस्व बजट में आप देख सकते हैं कि क्या वस्तुएं शामिल होती है ना, जो आपको देखते हैं कि बार बार दोहराया जाता है कि दो घटक उसके अंदर होते हैं, ठीक है। एक बजट व्यय और राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्तियों के लिए क्या करना पड़ता है, राजस्व में काम करना पड़ता है, और गैर कर राजस्व उसके अंदर देखे जाते हैं ना। अप्रत्यक्ष कर होता है, इसके विपरीत राजस्व व्यय को मूल रूप से क्या कहा जाता है। और क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स में, ऑन द कॉन्ट्ररी ऑफ दिस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेसिकली टू रन द रिक्वायरिंग फॉर्म ऑफ स्पेंडिंग विच गवर्नमेंट हैज टू
बियर करती है. सच एक्सपेंसिव जनरली डन फ्रॉम रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, है ना. हायर द नीड ऑफ मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक सर्विस पब्लिक वेलफेयर मोर विल बी रिक्वायरमेंट करती है किसको, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन द लिस्ट ऑफ बजट में. कैपिटल बजट क्या करता है, लाइक रेवेन्यू बजट कैपिटल बजट आल्सो हैज टू कंपोनेंट. कैपिटल रिसीव्ड क्या होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल बजट इज नॉन रिकरिंग, बोथ रिसीव्ड एंड एक्सपेंडिचर को दोनों का देखा जाता है. और वंस और ट्वाइस ऑफ लाइफ में असेस्ट लगाए जाते हैं बट डज नॉट रिपीट अगेन एंड अगेन. मतलब एक बार या दो बार आप असेस्ट लगाते हो पर बार बार नहीं लगाते हो, है ना. और कैपिटल का जब एक्सपेंडिचर करना पड़ता है तो डिसइन्वेस्टमेंट उसमें नहीं करते, बोरिंग लोन पब्लिक पब्लिक वगैरह के जो लोन होते हैं, फॉरेन गवर्नमेंट से जो आप लोन लेते हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सब का क्या है, इसमें अपना अपना एक्सपेंडिचर होता है. और अपने डेवलपमेंट करने के लिए इन सब फैसिलिटीज को अवेलेबल कराता है. पूंजीगत में देख लिया आपके अंदर, पूंजीगत प्राप्तियाँ होती हैं और क्या होता है इसके अंदर, पूंजीगत व्यय होता है ना. तो इसके अंदर क्या देखा जाता है, एक या दो बार नहीं दोहराता है एक दूसरे. पूंजीगत व्यय में क्या बताता है, निवेश को उधार जनता से ऋण लेता है ना. मशीनरी स्वास्थ्य इस पर क्या करता है, व्यय करता है. फरवरी ईयर 2020 ये क्या बताता है, मेजर थ्री थीम्स को बताता है, एस्पिरेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड केयरिंग सोसाइटी. द ड्रीम ऑफ प्राइम मिनिस्टर का जो था, सबका साथ सबका विश्वास, ये किसका ड्रीम था, हमारे प्राइम मिनिस्टर का. किसका, प्राइम मिनिस्टर का. इसमें से सबका विश्वास जो भारत की आकांक्षा को संबोधित करता है, केंद्रीय बजट में दी गई मदद. लगातार 3 वर्षों के लिए सरकारी प्राप्तियों व्ययों का विवरण हुआ था. समझ गए आप लोग, ठीक है. इसमें क्या बताया था, 2000 प्रीसीडिंग ईयर करंट ईयर पे इसे बजट को बनाया जाता था और रिवाइज जब होता था तो करंट ईयर पे क्या करा जाता था, बताया जाता था. और स्ट्रक्चर कॉम्पोनेंट्स वगैरह गवर्नमेंट बजट पे क्लासीफाई करती है टू इम्पोर्टेंट को, और रेवेन्यू एंड कैपिटल को क्या करती है, क्लासीफाई करती है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसीव करती है कैपिटल एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू बजट किसको इंक्लूड करती है, सोर्सेस ऑफ इनकम को, कि आपकी क्या गवर्नमेंट विल बी पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसीव का पार्ट बन जाता है जब आप उसको एड ऑन करते हो. एग्जाम्पल, रेवेन्यू फ्रॉम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को, रेवेन्यू को सोर्सेस को देखती है, ठीक है. फीस फाइंस पेनल्टी एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव फीस वगैरह ये सब क्या देखते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू में देखते हैं. जब भी पेनल्टी वगैरह यूज होती है तो ये सब इसमें यूज होती है, नॉन टैक्स रेवेन्यू में, है ना. और कॉन्ट्रे करते हो आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का खर्च करते हो तो गवर्नमेंट लाइबल पे करती है उसको, फंडिंग को गवर्नमेंट के लिए, ठीक है. इसमें क्या देखते हैं आप लोग, राजस्व बजट में और इसमें उदाहरण में आप देख सकते हैं शुल्क जुर्माना ये सब हमने पढ़ लिया, ये करते हैं. अब बजट का आप ये सब देख लीजिए, ये आप एक टेबल याद कर लेंगे तो आपको उससे समझ आ जाएगा. बजट 2 टाइप के होते हैं, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट, ठीक है. और इसके अंदर बजट के रेवेन्यू बजट के अंदर आप देख सकते हैं रेवेन्यू रिसीव्ड और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक
ठीक है, रेवेन्यू शीट के अंदर आप टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू को एड ऑन करते हैं, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान। ठीक है, कैपिटल बजट के अंदर आप देख सकते हैं कैपिटल रिसीप्ट होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर यूज होता है। प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सब किसके अंदर आ गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर। ये गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स होते हैं कि कैसे इसको करा जाता है। टैक्स रेवेन्यू इज मोस्ट पॉपुलर सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ, आपको पता है टैक्स कर अदा करना क्या है, सबसे बड़ा गवर्नमेंट का एक पार्ट है, पॉपुलर सोर्स है। तो अकॉर्डिंग टू डेल्टन के अनुसार टैक्स कंपल्सरी होता है इम्पोज बाय पब्लिक के अकॉर्डिंग, है ना। टैक्स तो देना ही होता है, कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन है। अथॉरिटी इज रिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सटेक्ट अमाउंट ऑफ सर्विस इन अंडर टैक्स पेयर और रिटर्न एंड नॉट इम्पोज द पेनल्टी ऑफ एनी लीगल ऑफेंस ही फर्दर स्टेटेड आ रेफरेंशियल पेमेंट रिटर्न नो इनडायरेक्ट में नहीं होता। मतलब ये बता रहे डाल्टन जो एक कर एक जनता द्वारा लगाया गया होता है, ये अनिवार्य दे नहीं होता। ठीक है, इस कर को क्या जनता द्वारा लगाया गया होता है और इसमें क्या करा जाता है कि मतलब अगर आप कर दे रहे हो तो उसमें प्रदान की गई सेवा की सटीक राशि वापसी किसी भी कानूनी अपराध के लिए जुर्माने के रूप में नहीं लगाया जाता। ठीक है, समझ रहे हो। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि कर परिभाषा के अनुसार बदले में एक भुगतान जिसके लिए कोई प्रत्यक्ष और विशिष्ट नहीं होता, तो करदाता तक लाभ पहुंचाओ, लाभ भी इसको देते हैं, जो उसका लाभ होता है वो भी इसको कराधान में दो अलग अलग प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। कराधान की विशेषताएं क्या होती है? जो लोग कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होते हैं वे सरकार को इसका भुगतान करने करने से इनकार नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार कर से बचा नहीं जा सकता, ये अनिवार्य भुगतान होता है। ठीक है, यह आवश्यक नहीं है कि यदि हम बदले तो व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जाता है, मान लो। ठीक है, इसका लाभ क्या होता है? अनुपात के साथ मिलता है, उसे कोई लेन देन भी नहीं होता और इसका कोई लेन देन से रिश्ता नहीं होता और किसी को भी खुशी नहीं मिलती है। ठीक है, चाहे आप कर कैसे भी दो, आप अप्रत्यक्ष कर से दो या कैसे भी दो, है ना, इसका ऐसा नहीं है कि इसको किसी खुशी मिल रही है ना। टैक्स देने में किसी को खुशी तो मिलती नहीं, क्योंकि आपको पता है एक्स्ट्रा पैसा हमारा जा रहा होता है, खर्चा हो रहा होता है हमारा, है ना। सो टैक्सेशन आपने पढ़ लिया, टू डिफरेंट टाइप के हो जाते हैं, डायरेक्ट वाले में और इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, और पीपल अगर पे करने के लायक टैक्स तो वो रिफ्यूज नहीं कर सकते, उसे पे करना पड़ेगा और ये कंपल्सरी पेमेंट हो जाता है एक तरीके से। ठीक है, और ये कोई जरूरी नहीं होता कि अगर वो टैक्स दे रहा है तो उसे रिटर्न में भी कभी उसे वापस मिलेगा। समझ आ रहा है? सो आप इसके अंदर देख सकते हैं, हेल्प करता है ऑब्जेक्टिव में रेवेन्यू में, रिड्यूस करता है इनकम को इक्वालिटी करने में, फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाता है, प्राइस का एक स्टेबिलिटी होता है इसके अंदर, कि प्राइस का एक स्थिरता हो जाती है।
इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर आप देख सकते हैं चीजों को, है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या विकास के अंदर आप देखते हैं। और रिड्यूसिंग द इम्बैलेंस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, रिड्यूसिंग करती है पेमेंट को, इम्बैलेंस जो पेमेंट होती है उसको बैलेंस करती है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो जाता है हमारा, प्रत्यक्ष कर वो होता है जब उस व्यक्ति का वो पर लगाया जाता है, उसने क्या देखते हैं, प्रत्यक्ष कर उस व्यक्ति या संगठन द्वारा वहन किया जाता है जिस पर उसे लगाया जाता है ना। कर को, करों के प्रकार को दूसरे और स्थानांतरण नहीं किया जा सकता, कर को प्रभाव और अप्रभाव उसी पर देखा जाता है ना। प्रत्यक्ष कर के मामले में व्यक्ति प्रत्यक्ष कर प्रगतिशील होता है, मतलब क्या होता है, प्रगतिशील होता है ना, समझ रहे हो। और समूह और उसे एकीकृत करे बिना उपयोग में वर्ग में क्या करा जाता है, जैसे संपत्ति उपहार वगैरह कॉर्पोरेट बेस पे क्या लगा जाता है, डायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है कि आप जो इन सब पे पता है आपको डायरेक्ट टैक्स ले लगा रहे हो आप, है ना। अब इसके गुण क्या होते हैं, इसके गुण होते हैं जब प्रत्यक्ष कर में पहलुओं के आधार पर निश्चित यानी क्या होता है, भुगतान करने का तरीका होता है। और आर्थिक में क्या देखते हैं, प्रत्यक्ष कर अर्थव्यवस्था के कानून के अनुसरण को करता है, इस पर आने वाली लागत क्या होती है। प्रत्यक्ष कर संग्रह कम करता है, ये सीधे वेतन भोगी के रूप में किया जाता है। प्रत्यक्ष कर के मामले में लोग क्या क्या बोलते हैं ना, इलास्टिक, मतलब लगा लो इलास्टिक में क्या हो जाता है, डायरेक्ट टैक्सेस आर फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, कैनन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। लोचदार प्रत्यक्ष कर लचीले होते हैं और ये लोच के कैनन को संतुष्ट करता है। देश की आवश्यकता और आवश्यकता के आधार पर सरकार परिवर्तन करती है और कर की दर में अर्थव्यवस्था को समस्या पे क्या लाती है, काबू करती है कि बचाने के लिए अवधि कितनी है। मुद्रास्फीति के अनुसार, मंदी के अनुसार देखते हैं हम लोग, है ना। सिविक कौन से, नागरिक चेतना क्या होती है, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में प्रत्यक्ष कर नागरिक पैदा करता है, कौन करता है, करदाता के मन में चेतना होती है कि उसके द्वारा अदा किया जाता है तो वह कितना होता है मेहनत की कमाई, इसलिए वह उसके उपयोग में क्या करता है, चिंता करता है। सरकार पैसा खर्च कर रही होती है कि उसके विकास पे, कल्याण पे, सब, है ना। सो आज का सेशन यही एंड करते हैं, ठीक है। सो टुमारो वी विल कैरी ऑन दिस टॉपिक, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।